और भाई क्या हाल चाल है आप लोगों का। आप लोग ठीक हैं? आप देख रहे हैं सामने एक ब्लैक कलर की पतंग पड़ी हुई है, और ये है अपना पुराना वाला मांझा। ये वाला पुराना वाला मांझा है, और इसमें जो लपेटा हुआ है वो नया वाला था। तो आज मैं उड़ाऊंगा, सोच रहा हूँ कि नया वाला उड़ाऊं, यानी कि इसे उड़ाऊं कि ये इधर वाले को उड़ाऊं। तो मेरा मन कर रहा है कि ये वाले को उड़ाऊं, ये वाले को। तो आज मैं उड़ाऊंगा ये इधर वाला, ये वाला मांझा। इसको उड़ाता हूँ और देखता हूँ क्या रिस्पांस मिलता है आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो पर बने रहें, और तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों आइए चलते हैं। ये देखिए अपना पुराना वाला मांझा, चलते हैं उड़ाने के लिए। ये देखिए गीठ बांधा मैंने, गीठ पतंग में बांध दिया, और आप देख सकते हैं कन्ना, पतंग का कन्ना जो है मैंने यहाँ पास बांधा हूँ और ऊपर वाला तोड़ के रखा हूँ। ये देखिए पूरी पतंग, और पतंग में यहाँ यहाँ टेप ज़रूर मांगे, क्योंकि इससे पतंगें फटेंगी नहीं। तो आइए मैं चलता हूँ उड़ा। यार हवा कम, बहुत बहुत कम चल रही है, इसलिए पतंग में यार ठुमकी बहुत ज़्यादा मारना पड़ रहा है, और साला पतंग बढ़ भी नहीं पा रही है। हवा ही साली पता नहीं क्यों नहीं चल रही है ज़्यादा तेज। देखिए देखिए अपनी ब्लैक वाली पतंग, हवा ही नहीं लग रही है साली पतंग में ज़्यादा। साली बढ़ के लड़ पाएगी कि नहीं लड़ पाएगी? वैसे कोशिश पूरी है मेरी कि भाई मेहनत पानी न फेरे। कुछ कुछ लगना शुरू हो गई है, लेकिन पूरे तरीके से नहीं लग रही है। और पतंग अपनी, मैं पहले से बता दूं, पतंग अपनी सही नहीं है, और बचा हुआ मंझा ही मैं यूज़ कर रहा हूँ। मैं कई बार पतंगों में बच के आता है, तो वही मंझा मैं ये अपनी बची हुई लटाई में लपेट देता हूँ और उसी को उड़ाऊँगा। आप देख रहे हैं, ये देखिए मांझे की गीठ ये है, और बचा हुआ है मांझा अब जा रहा है। इतना मांझा है, और लड़ेगा पतंग अपना, जैसा कि आप देख रहे हैं। वो देखिए अपोनेंट की पतंग और अपनी पतंग, अपनी पतंग नीचे ऊपर वाली है, मतलब कि ब्लैक वाली है। और देखिए अभी मैं बढ़ा रहा हूँ, और दूसरा बंदा है लड़ाने की कोशिश में है पूरा। आप पेज को देखते रहिएगा और सीखिए,
मैं लटाई को लगा देता हूँ, कोशिश करता हूँ। आप देख रहे हैं मैं बढ़ाता चला जा रहा हूँ, क्योंकि साला हवा नहीं लग रहा है ज़्यादा। लग जा भगवान, हे ईश्वर, चला दे हवा तेजी से। कुछ कुछ लग रही है कि मुझे उस बंदे की पतंग से आगे अपनी पतंग हो जाए, और जो कि आप देख रहे हैं मैं कर दिया हूँ। और मैं एक बार पतंग अपनी खींच के आपको दिखा दे रहा हूँ कि पतंग मेरी किधर घूम रही है। आप देखिएगा और समझ जाइए कि पतंग किधर घूम रही है। ये देखिए मेरी पतंग बाहर की ओर घूम रही है, और मैं इस बंदे से नीचे से जाऊंगा। देखिए नीचे से जाके बाहर खींचूंगा, यानी मैं खींचूंगा सीधा, लेकिन पतंग हमारी बाहर घूम रही है। ये पतंग मेरी ऑटोमेटिक बाहर हो जाएगी। और ये बंदे को देखिए मैं काटता कैसे हूँ, आप बस देखते रहिए बहुत आसान तरीक़ों से। देखिए ये देखिए मैं नीचे से जा रहा हूँ, ये बंदे को हल्का हल्का मिलाते मिलाते, ये देखिए मैं नीचे से गया, क्योंकि मैं तेज़ी से इसलिए नहीं घुस सकता क्योंकि मेरी पतंग में हवा नहीं है। और दूसरी बात, और ये देखिए मैं चढ़ा लिया हूँ, जैसा कि आपने देखा मैंने उस बंदे की पतंग को काट दी। ये देखिए मैंने कहा था बहुत आसान तरीक़ों से, कोई ज़्यादा खास काम नहीं करना पड़ा। और अपनी पतंग आप देख सकते हैं, ये है अपनी पतंग। और ये देखिए मैं तना के रखा हूँ बाहर से ही, और इसमें जो कि मैं नीचे से गया और जाने के बाद चढ़ा लिया, और चढ़ाने के बाद सिर्फ रोक के रखा। मैं देखा कि वो मारने के सिवा कुछ नहीं करेगा, मैं उसकी कंडीशन को पहले ही समझ गया था। और मैं अपनी कंडीशन जाना था, क्योंकि मैं सीधा खींचूँगा मेरी पतंग बाहर है, उसकी पतंग की ओर भाग जाएगा, इसीलिए मैं पावर भर के चल दिया था। देखिए खींचने में देर में इसलिए कटा पतंग, क्योंकि मैं खींचने में थोड़ा देर कर दिया था, यानी कि सॉरी जल्दी कर दिया था। मुझे थोड़ा सा और लेट टाइम लगाकर चलना था। अगर मैं थोड़ा सा और लेट लगाकर टाइम चलता तो इसको मैं दो ही हाथ में काट दिया होता, मुझे इतना खींचना ना पड़ता और इतनी मेहनत ना करनी पड़ती। अगर वीडियो इस तरीके की पसंद आती है आपको हमारी, तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा, और इंतज़ार करते हैं दूसरे बंदे की पतंग बढ़ाने की। जैसा कि आप देख रहे हैं ये है अपनी पतंग, ये देखिए ये है दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये है लटाई में लपेट लिया, इसलिए कि भाई मेरे पास बच्चे खड़े थे, मैंने अपनी पतंग को थमा के चला गया उस बच्चे को नीचे गया, तो जब तक मैं आया तो मालूम चला कि उस बच्चे ने पूरी पतंग ही मेरी ज़मीन पर गिरा दी थी। और अब देख सकते हैं कहीं भी यार पतंग बढ़ी नहीं है, ना तो मैं झूठ बोल रहा हूँ। ये देखिए कि ना ही मुझे किसी ने बंदे ने काटा, जो कि पतंग ही नहीं बढ़ी है, ना ही हवा चल रही है। पूरा मैदान में आपको दिखा दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं कहीं भी एक भी किसी की भी पतंग नहीं उड़ रही है। आप देख रहे हैं, ये देखिए ये जो आप देख रहे हैं झंडा, ये देखिए ये भी बहुत कम यानी कि लहरा रहा है हवा ना होने के कारण ज़्यादा। और मेरी पतंग जो कि बच्चों ने गिरा दी है, मैं दूसरी पतंग नहीं बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों हवा भी नहीं चल रही, दूसरी बात कोई बंदा बढ़ा भी नहीं रहा है। तो आप जैसा कि मैंने अपने वीडियो में आपको बताया, पेज ऐसे ही कीजिएगा घूमती पतंग से, और घूमती पतंग हो या कोई भी पतंग हो भाई, आप पेज अपनी सही कीजिए और आपको कोई बंदा जल्दी काट नहीं पाएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप बताना, और कोई भी क्वेश्चन पूछना बिल्कुल ना भूलें, जैसा कि मैं आपको हर क्वेश्चन का जवाब दे सकूं। तो आप कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली नेक्स्ट वीडियो में।